सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? तो आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि टॉपिक्स ही नहीं मिल रहे यार। क्या करूँ, टॉपिक्स नहीं मिल रहे। जब तक टॉपिक्स नहीं मिलेंगे तब तक वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं बनता। तो टॉपिक्स नहीं, इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था, मतलब अभी भी डाल नहीं रहा हूँ। नहीं तो पहले बहुत सारे टॉपिक्स थे तो वीक में एक वीडियो तो आ ही जाती थी, बट अभी उतने टॉपिक्स नहीं मिल रहे। जो मिलते वो भी कुछ लोग यूज किए होते हैं। तो सोचता हूँ कि सच में ये टॉपिक लू या नहीं लू, तो इसलिए कुछ गिने चुने टॉपिक्स ही चूज करता हूँ मैं अभी फिलहाल। तो इसलिए वीडियो भी लेट आती है, तो सॉरी। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो रेडमी के मतलब शाओमी के फोन्स होते हैं उसमें जो फोकस मोड होता है वो क्या है। वैसे इस टॉपिक पे भी बहुत सी वीडियोस बनी होगी, बट एक नॉर्मल बात के लिए बता रहा हूँ मैं अब। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ सुजल हेयर, इन शॉर्ट मेस कैचर। तो चलो अभी हम अपने फोन की स्क्रीन पे चलते हैं, आपको दिखा देता हूँ। तो अभी यहाँ पे एक स्क्रीन आएगी, मैं साइड हो जाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन है फोकस मोड का जो मेरा ऑन है, तो इसको मैंने ओपन किया। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ ऐप्स पहले से फोकस मोड में डाल चुका हूँ। तो इसका यूज़ क्या है, इसका मेन यूज़ क्या है? इसका यूज़ है कि अगर आप कोई ऐप यूज़ नहीं करते, जैसे फेसबुक हो गया, तो उसके जो नोटिफिकेशंस आते हैं वो बंद हो जाते हैं क्योंकि आप यूज ही नहीं करते, तो वो फोकस मोड ही चला जाता है, तो वो नोटिफिकेशंस बंद हो जाती है उसकी। तो उसका ज्यादा कुछ यूज नहीं है बट काम का है। मैंने बहुत से वीडियोस डाले, मतलब एप्स ऐसे डाले डाल के रखे जिनका मुझे काम नहीं रहता, फिर क्या रख के क्या करूँ मैं, तो इसलिए फोकस मोड में डाल देता हूँ क्योंकि वो ऐप डिलीट भी नहीं होते, तो उसके लिए करना पड़ता है। तो जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये YouTube मैंने सिलेक्ट किया। सॉरी गाइज, वो कैमरा बंद करना पड़ा क्योंकि वो फ़ोन ख़राब हो गया है, तो इसलिए अभी उस फ़ोन से शूट नहीं कर सकता मैं। तो अभी डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू की है मैंने। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में यूट्यूब पूरा ब्लैक एंड वाइट हो चुका है, क्यों? क्योंकि ये फोकस मोड पर डाला है मैंने। तो अभी जैसे मैं अभी इसको ओपन करूँगा तो ये बताएंगे कि ये फोकस मोड में है, तो क्या आप इसे यूज़ करना चाहते हो या नहीं। तो अगर यूज़ करना है तो 5 मिनट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर आप फिर से यहाँ पे जाके फोकस मोड पे क्लिक करो और यहाँ से यूट्यूब को हटा दो। जैसा अभी यहाँ से मैंने हटा दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूट्यूब फिर से जैसा था वैसा हो गया। तो अभी मैं इसको यूट्यूब को फिर से फोकस मोड में डाल देता हूँ, तो अभी आप फिर से देख सकते हो ये ब्लैक एंड वाइट में आ चुका है। अगर आपको यूज़ करना है तो ये सिर्फ 5 मिनट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं 5 मिनट्स के लिए यूज़ कर लेता हूँ। यूज़ होगा बट इसके जो नोटिफिकेशंस वगैरह आएंगे वो नहीं आएंगे। तो अभी आप देख सकते हो आशीष के पोस्ट वगैरह वगैरह। तो आप इस यूज़ कर सकते हो बट नॉट लाइक दैट। तो ये सिर्फ एक जनरल टॉपिक बताने के लिए मैंने बताया बस, बाकी कुछ नहीं। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो, और ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कैमरा ठीक कर लूँ क्योंकि फ़िलहाल तो कैमरा के ऐसे तैसे हो चुके। तो फॉरगॉट दैट टॉपिक। तो चलो मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।